चार दिवसीय 10वीं भारतीय छात्र संसद का आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्घाटन किया। इस मौके पर युवा छात्र नेताओं से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। 10वीं भारतीय छात्र संसद का उद्घाटन आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में चार दिवसीय इस सम्मेलन में युवा नेता शिरकत कर रहे हैं, जिनको यहाँ पर अलग अलग सेशन में जो व्यक्ति विशेष हैं अपने भाषण देकर यहाँ पर जानकारी बढ़ाएंगे। ऐसे ही कुछ युवा नेता हमारे साथ हैं, पूरी तैयारी करके आए हैं आप, नेता वाली वेशभूषा है, पूरी तैयारी है, क्या आपको भाषण में क्या खास बात लगी है उपराष्ट्रपति? भाषण में वेंकैया नायडू जी ने जो बताया कि लीडर शुड सेटअप हिज ओन स्टैंडर्ड्स एज फॉलोअर्स हैव टू फॉलो देयर स्टैंडर्ड्स एंड ही हैव टू वर्क इन दैट फ्रेम, ये हमें अच्छा लगा। और उसके बाद जो कंपेशनेट होना चाहिए, सिंपथी अपथी, और वही अच्छा लगा। आप भी नेता बनने की कतार में हैं, क्या मुद्दे आपको प्रभावित करते हैं देश की राजनीति के? सर, देश की राजनीति के लिए सबसे बड़ी बात जो है, अभी वर्तमान समय में वर्ग और जाति को लेकर भी बहुत ज़्यादा भेदभाव चल रहे हैं, और इस भारतीय छात्र संसद में एक ऐसा विषय भी इन्होंने रखा गया था कि वर्ग से जाति और जाति से वर्ग, आखिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं। उस विषय के आधार पर भी मैं यह कह सकती हूँ कि बहुत सारे युवा नागरिक, बहुत सारे युवा नेता जो इन विषयों के ऊपर अपना एक बहुत एक अच्छा उनका वर्णन भी करते हैं और उनके लिए एक बहुत अच्छी सोच और समझ को परख कर उन पर बात करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों में खुद को एक अच्छे लेवल पर ले जाते हैं कि भाई हम इनसे उठकर देश के हित के लिए कुछ कर सकें, वर्ग, जाति, धर्म, और वही चीज़ आज मुझे उपराष्ट्रपति के भाषण में भी दिखाई दी। और अगर आपसे पूछें तो आप भी नेता बनने की चाह रखते हैं, भारतीय छात्र संसद में क्या आपको प्रभावित करते हैं और क्या मुद्दे आपको देश के राजनीति में लगते हैं ऐसे कि जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है? जी, सबसे पहली बात तो भारतीय छात्र संसद सारे देश में एक युवाओं का संगठन करने का एक प्लेटफॉर्म है, तो इस ये प्लेटफॉर्म ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के हर एक युवा से जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा हमारे युवकों में अभी राजनीति के लिए बहुत निगेटिविटी फैली हुई है, तो हम कुछ पॉजिटिव नज़रिए से राजनीति की तरफ देखना चाहते हैं कि राजनीति कोई गंध नहीं है, राजनीति ऐसा इत्र है जिसको हम अपने ऊपर छिड़केंगे तो देश का भविष्य बदला सकता है। और आप क्या बदलना चाहते हैं राजनीति में आकर? मेरे हिसाब से आजकल पढ़े लिखे युवा अगर राजनीति में आएंगे तो हमारे देश को विकसनशील एक गति मिलने के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछले आज़ादी के बाद हमारे देश में जितना प्रोग्रेस हुआ उससे ज़्यादा काफ़ी उठकर प्रोग्रेस हो जाएगा जब अच्छे युवा, पढ़े लिखा युवा अगर राजनीति में आएंगे, भारतीय छात्र संसद जैसे प्लेटफॉर्म उनको मिलेंगे और उनको इतने बड़े लोगों के तरफ से जो मार्गदर्शन मिलेगा उस मार्गदर्शन को लेकर कुछ आगे अच्छा काम कर सकेंगे। अगर मौजूदा मुद्दों की बात करें, देश के सामने CAA कानून और दूसरे तमाम मुद्दे हैं जिनका विरोध पक्ष हम देखने को मिलता है, आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से अभी ये तो कोर्ट में इसके बारे में कुछ डिसीजन आएंगे, लेकिन देश में कुछ माहौल ख़राब ना हो इसकी जिम्मेदारी सरकार ने लेनी चाहिए। और प्रदर्शन को क्या जायज़ बताते हैं आप? कोई प्रदर्शन करता है और उसका अगर विरोध होता है तो क्या बात रखने की आज़ादी का जो जिक्र होता है, नारे लगते हैं फिर उनका विरोध होता है, उस पर आपकी क्या राय है? जी, हमारे देश में अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, तो कोई बात करने के लिए किसी को रोक नहीं सकता, तो जिनको अच्छा लग रहा है वो अच्छे बोल रहे हैं, जिनको बुरा लग रहा है उनके कुछ अपने मुद्दे होंगे तो वो बुरा बोल सकते हैं। और महिला होने के नाते कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको प्रभावित करते हैं और महिला नेता के तौर पर आप उनको एड्रेस करना चाहेंगे? सबसे पहले महिला सुरक्षा, हालांकि महिला सुरक्षा अब हमारे देश में मैं कहूंगी कि काफ़ी हद तक महिलाओं को लेकर काफ़ी विषयों पर बात की जाने लगी है और काफ़ी जगह उनको मौके दिए जाने लगे हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक सुधार हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है और वहाँ मैं थोड़ा सा उन पर ध्यान देना चाहूँगा। और आप क्या कहेंगे मौजूदा राजनीति को लेकर, अगर मुद्दों की बात करें तो कौन से उस मुद्दे को एड्रेस करने की ज़रूरत है, सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है? अभी धर्म और जाति के अलावा हमें देश की जो कृषि प्रधान देश है हमारा भारत देश, तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर कृषि क्षेत्र को राजनीति में मिलता है तो जो कि मिडिल क्लास लोग हैं उनको ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदा मिल सकता है। धन्यवाद बात करने के लिए। और 10वीं भारतीय छात्र संसद इसका उद्घाटन आज हुआ है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया है। चार दिवसीय ये संसद विज्ञान भवन में आयोजित हो रही है, कुछ युवा नेताओं से हमने मुलाकात की है, उनकी राय जानी है मौजूदा मुद्दों को लेकर, वो क्या राय रखते हैं, और भविष्य उज्जवल है, कहीं ना कहीं इनकी सोच ये दिखाती है राजनीति में एक ऐसा प्लेटफार्म बनाने की ज़रूरत है जहां पूरे देश के युवा इकट्ठा होकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, ये भारतीय संसद ये प्लेटफार्म मुहैया कराती है।
कैमरामैन सुरबीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।